हेलो एवरीवन सो टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग सम रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन ऑफ चैप्टर सिक्स दैट इज स्क्वेयर्स एंड स्क्वायर रूट्स ऑफ क्लास एर्थ क्वेश्चन नंबर फोर इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स हेयर इज़ आ पैटर्न आपको उसको जो उसमें मिसिंग डिजिट्स हैं उनको फिल करना है सो यू कैन सी द पैटर्न दिस इज द पैटर्न ओके सो देखिए अब आप पैटर्न को ऑब्जर्व करिए देखिए जब यहां पर है इलेवन स्क्वायर तो है वन ट्वेंटी वन अब क्या हुआ इलेवन के बीच में एक जीरो इंसर्ट हो गया तो यहां पर भी क्या हो गया टू के बिफोर में एक जीरो और टू के आफ्टर में एक जीरो इन द राइट एंड साइड फिर एल एच एस में टू जीरो इंसर्ट हुए तो इधर देखिए आर एच एस में टू के बिफोर में टू ज़ीरो और टू के आफ्टर में टू ज़ीरो फिर आपको दिया है इस नेक्स्ट वाले स्टेप में फिलअप अब देखिए इन दोनों वन के मिडिल में कितनी ज़ीरोज़ हैं फ़ोर तो आप क्या करेंगे देखिए आपको वन टू और वन लिख के दिया हुआ है और बीच में डैश दिया हुआ है तो देखिए इस वाले टू से बिफ़ोर में फ़ोर ज़ीरो आ जाएंगी और टू के आफ्टर में फ़ोर ज़ीरोज़ आ जाएंगी ओके फिर आपको दिया हुआ है यहाँ पर देखिए यहाँ पर और जीरोज़ इंसर्ट कर दिए अब टोटल ये जीरोज़ कितनी है देखिए दोनों वन के बीच में सिक्स तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पर आपको पूरा फिलअप दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे स्टार्टिंग में वन आएगा फिर कितनी जीरोज आएंगे सिक्स जीरोज आएंगी क्योंकि यहाँ पर सिक्स जीरोज हैं फिर आप टू लिखेंगे जैसा कि पैटर्न में चलते आ रहा है फिर आप टू के बाद सिक्स डिजिट सिक्स जीरोज लिखेंगे और फिर एट लास्ट वन लिख देंगे तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न पूरा हो जाएगा क्लियर नाउन फिफ्थ इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स यहाँ पर भी आपको एक पैटर्न गिव इन है आपको क्या करना है जहाँ जहाँ पर फिलअप है उसको कम्प्लीट करना है तो अब देखिए आप यहाँ पर है आपका आ, पहले है इलेवन स्क्वायर उसका सीधा सीधा दे रखा है कितना वन ट्वेंटी वन अब देखिए यहाँ पर एक ज़ीरो इंसर्ट हुई एल एच एस में तो देखिए टू से बिफोर में एक जीरो टू से आफ्टर में एक ज़ीरो अकॉर्डिंग टू पैटर्न चलना होता है इसमें हमें ठीक है आप फिर क्या हुआ देखिए फिर यहाँ पर आ, जी एक हमने क्या किया जीरो वन और इंसर्ट कर दिया तो यहाँ पर क्या चेंजेस हुए आर एच एस में आर एच एस में चेंजेस हुए कि देखिए वन जीरो एज इट इज रहा फिर थ्री जीरो और आ गया और फिर उसके बाद फिर रिपीट हुआ टू जीरो एंड देन वन ठीक है अब इसी तरह से आपको क्या किया एल एच एस में एक जीरो वन और इंक्रीज कर दिया तो अब आप यहाँ पर फिलअप दिया हुआ है इस प्लेस पर जहाँ पर मैंने ये ब्लू पेन से फिल किया हुआ है तो अब यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे जैसे देखिए इस स्टेप से इस स्टेप में क्या आया था थ्री जीरो तो अब जब आप नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो उसमें क्या ऐड हो जाएगा फोर जीरो ऐड हो जाएगा तो आप इस तरह से क्या करेंगे वन जीरो टू जीरो थ्री जीरो तो ऑलरेडी है प्रीवियस स्टेप में तो नेक्स्ट स्टेप में फोर जीरो और बढ़ गया और फिर हम क्या करेंगे जैसे यहाँ पर इस वाले स्टेप में थ्री जीरो के बाद क्या आया था टू जीरो एंड देन वन तो इसी तरह से यहाँ पर आएगा 40 के आफ्टर में 30201 क्लियर नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ देखिए यहाँ पर 50 और इंसर्ट हो गया बाकी फिर एज इट इज चला पैटर्न तो यहाँ पर आप क्या करेंगे एलएचएस में 101 को और इंक्रीज कर देंगे ठीक है तो इस तरह से ये हमारा पैटर्न फिल हो जाएगा नाउ सिक्स इज़ यूजिंग द गिविन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स यहाँ पर भी आपको एक पैटर्न दिया हुआ है और आपको मिसिंग नंबर्स को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर टोटल जो फिलअप्स हैं वो हैं फोर ठीक है तो अब हम पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे देखिए कैसे यहाँ पर है वन टू जा टू टू थ्री जा सिक्स थ्री फोर जो ट्वेल्व स्क्वायर सबके ऊपर लगा हुआ है तो फोर फाइव ज़ा यहाँ पर क्या आ गया ट्वेंटी ओके ऐसे ही देखिए यहाँ पर मिडिल वाला ब्लैंक कर दिया तो फाइव से कितने से फाइव को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टी आएगा तो यहाँ पर आ गया सिक्स फाइव सिक्स जै थर्टी तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया सिक्स का स्क्वायर अब देखिए लास्ट वाला है सिक्स सेवन जा यहाँ पर क्या आ जाएगा फोर्टी टू अब देखिए अब ये वाला फिलअप रह गया लास्ट वाला ये वाले तीनों हमने फिल कर दिए अब आप देख सकते हैं देखिए टू के बाद यहाँ पर थ्री सिक्स के बाद सेवन ट्वेल्व के बाद थर्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन थर्टी के बाद थर्टी वन तो यहाँ जब फोर्टी टू आ चुका तो यहाँ पर क्या आएगा फोर्टी थ्री स्क्वे इस तरह से क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन विदाउट एडिंग फाइंड द सम यहाँ पर आपको बिना ऐड किए हुए सम फाइंड आउट करना है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखिए वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन यानी कि ये आपके क्या हैं फाइव कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं तो जब हमें कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स दिए होते हैं तो हम ये देख लेते हैं के वो कितने दिए हुए हैं तो यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर फाइव तो ये यहाँ पर हमने एन लिख लिया कि एन इज इक्वल टू कितना है फाइव और फिर यहाँ पर है देयर आर फाइव कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स तो इसके लिए आप डायरेक्टली विदाउट सम हम क्या कर देते हैं जो भी हमारा एन आता है चाहे वो फाइव हो सिक्स हो सेवन हो हम उसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया अगर आपको इनका सम निकालना है डायरेक्टली तो आप क्या कर देंगे इस एन का स्क्वायर कर देंगे ठीक है यानी कि फाइव का स्क्वायर कर देंगे तो फाइव फाइव जे ट्वेंटी फाइव यानी कि विदाउट इनको एड किए हुए हमें पता चल गया विद इन अ सेकंड के जो इनका एडिशन का सम है वो कितना आएगा ट्वेंटी फाइव ठीक है तो आप अगर आपको चेक करना है तो आप इनको सबको डिजिट्स को प्लस करके देख लीजिए आंसर ट्वेंटी फाइव ही आएगा नाउ सेकंड इज़ आपको देखिए वन से लेके कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स दिए हुए हैं नाइनटीन तक तो हमें सबको ऐड तो करना नहीं है क्योंकि हमें विदाउट एडिंग बताना है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर एन फाइंड आउट कर लेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सो दीज आर द टेन नंबर्स सो एन इज इक्वल टू टेन तो अब आप क्या कर देंगे टेन का स्क्वायर तो यानी कि इन सबका सम क्या आ गया टेन का स्क्वायर और टेन का स्क्वायर क्या होता है हंड्रेड एंड हंड्रेड इज द आंसर ओके नाउ थर्ड इज देखिए वन से लेके ट्वेंट अब वन से लेके ट्वेंटी थ्री तक के कॉन्जिक्यूटिव ऑर्ड नंबर्स दिए हुए हैं है ना तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पर फिर से एन को देख लेंगे कि ये नंबर्स में कितने हैं तो ये आप जब काउंट करेंगे तो ये हैं एन इज इक्वल टू ट्वेल्व तो अब आपको क्या करना है ट्वेल्व का स्क्वायर यानी कि इन सब का सम कितना हो जाएगा फोर्टी वन फोर्टी फोर एंड दिस इज द आंसर ओके नाउ क्वेश्चन नंबर एट एक्सप्रेस फोर्टी नाइन एज द सम ऑफ सेवन ऑड नंबर्स अब हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर एट है ये क्वेश्चन नंबर सेवन का रिवर्स है किस तरह से देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि हमें फोर्टी नाइन को सेवन ऑड नंबर्स के तरह रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे देखिए फोर्टी नाइन है ये सेवन ऑड नंबर्स लेने हैं तो आप कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ले लेंगे और कहाँ से स्टार्ट करेंगे वन से तो वन से सेवन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बनते हैं वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन एंड थर्टीन और इनको क्योंकि हमें सम दिखाना था अब आप इनको फाइनली सम करके देखेंगे तो कितना आएगा फोर्टी नाइन ओके नाउ आपको दिया हुआ है वन ट्वेंटी वन और कैसे सो शो करना है आपको एज सम ऑफ इलेवन ऑड नंबर्स तो आप क्या करेंगे वन से स्टार्ट करेंगे कॉन्जिक्यूटिव इलेवन ऑड नंबर्स जहाँ तक आपके बनेंगे आप वहाँ तक लिखते जाएंगे तो ये इस तरह से आएगा वन से लेकर ट्वेंटी वन तक इलेवन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार ओके

कितने नंबर्स पॉसिबल हैं ओके तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं देखिए जो पहला नंबर होता है उसको हम ले लेते हैं एन दैट इज़ एन इज इक्वल टू ट्वेल्व और देखिए क्योंकि ये जो है ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ही है ना ट्वेल्व के बाद थर्टी नहीं आता है तो ये यानी कि जो सेकेंड नंबर हुआ वो आपका क्या हुआ एन प्लस वन सो अब हमें निकालना है ट्वेल्व एंड थर्टीन के जो स्क्वायर्स हम करेंगे उनके बीच में कितने नंबर होंगे इसके लिए एक बहुत ही ईजी सा पैटर्न है दैट इज नंबर्स लाइव बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ ट्वेल्व एंड थर्टीन तो आप क्या करना होता है आपको टू एन सीधा सीधा हम क्या करना होता है टू एन मीन्स जो पहला नंबर आपको दिया होता है जिसको हम एन लेते हैं एन मानते हैं उसका हमें क्या करना होता है ट्वाइस यानी कि आप क्या कर देंगे एन की जगह ट्वेल्व रख देंगे तो टू मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व यानी कि आंसर हो गया ट्वेंटी फोर सो वी कैन से दैट देयर आर ट्वेंटी फोर नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वास ऑफ ट्वेल्व एंड थर्टीन अब इसी तरह से सेकंड वाला हो जाएगा आपका ट्वेंटी है आपको तो एन हो गया ट्वेंटी फाइव और एन प्लस वन हो गया ट्वेंटी सिक्स अब आपको निकालना है नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वेयर्स ऑफ ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी सिक्स आप फिर से क्या रखेंगे टू एन एन की जगह आप क्या पुट कर देंगे ट्वेंटी फाइव सो देर आर फिफ्टी नंबर्स लाए बिटवीन स्क्वेस ऑफ ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी सिक्स नाउ लास्ट इज नाइनटी नाइन एंड हंड्रेड सो एन इज इक्वल टू हरी एन इज इक्वल टू नाइनटी नाइन एंड एन प्लस वन इज इक्वल टू हंड्रेड सो नंबर्स लाइ बिटवीन स्क्वे ऑफ नाइन्टी नाइन एन हंड्रेड इज इक्वल टू ट्वेंटी टू एन सो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ एन विच इज़ नाइन्टी नाइन सो इट बिकम्स टू मल्टीप्लाई वाई नाइन्टी नाइन सो द नंबर्स आर वन नाइन्टी एट ओके तो नाइन्टी नाइन और हंड्रेड के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे वन नाइन्टी एट सो दैट्स ऑल फॉर टूडे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ कंटिन्यू करेंगे